हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हम है पुणे में और अभी हम जा रहे हैं पुणे के वन ऑफ द फेमस प्लेस पर। तो आप सब मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी कार पार्क करेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे एंट्री करना होता है, जो उसका प्रोसेस हम कम्प्लीट करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूजियम एंड मेमोरियल, ये है प्रेरणा भूमि। और यहाँ पर इस तरीके के आईडी कार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स, ये अभी हम लेकर चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। और यहाँ पर है वे टू म्यूजियम। तो चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं म्यूजियम की तरफ। और यहाँ पर अपनी चप्पल हम निकालते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूजियम एंड मेमोरियल प्रेरणा भूमि। यहाँ पर बहुत से चीजें हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें, कुछ बहुत सी चीजें यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो आप मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, मैं आपको सब सामने एक्सप्लेन करती हूँ, सब चीज के बारे में आपको बताती हूँ। बस आप मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नागपुर के धर्मांतर 14 ऑक्टोबर 1956 साली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दीक्षा दिली। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहेबांची शपथविधी 8 मे 1950 रोजी। काय झाला होता त्या दिवशी? शपथविधी। शपथविधी, ओके। 3 मार्च 1930 रोजी काळाराम मंदिर सत्याग्रह। अच्छा। 24 सप्टेंबर 1932 साली पुणे करा गांधीजी। अच्छा। भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली। 29 ऑगस्ट 1947 रोजी। ओके। मार्चच्या 14 तळ्याचा सत्याग्रह 4 सप्टेंबर 1920 रोजी डॉक्टर बाबासाहेबांनी सत्ता समाज संघाची स्थापना केली। ओके। 20 मार्च 1947 रोजी महाड येथील 14 तळ्यावर सामुदायिक संघटनात्मक स्वरूपाच्या तळातील पाणी पिण्याचा सत्याग्रह बाबासाहेबांनी केला। ओके। टीचर पण दाखवत होते। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें, और ये सब जानकारी आपको भी रहना चाहिए, आप अपने बच्चों को भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं म्यूजियम की तरफ। और फाइनली यहाँ पे हम एंट्री करते हुए हमें कुछ इस प्रकार का व्यू दिखा फ्रेंड्स। यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी तस्वीर यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, बट आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। जन्म 1848, मृत्यू 1913। आंबेडकरांची स्विडनहॅम महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून नेमणूक। ओके। स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स मधील स्वाध्याय व प्राध्यापक यांच्यासोबत डॉक्टर आंबेडकर। ओके। भीमा कोरेगाव येथील विद्यास्तंभाला डॉक्टर बाबा अर्पण समारंभ आणि डॉक्टर आंबेडकर हे संत गाडगे महाराज। ओके। डॉक्टर आंबेडकर महार रेजिमेंटच्या अधिकारी व सैनिकांसोबत आंबेडकरांचा 59वा वाढदिवस। रंगून बौद्ध धर्म महापरिषद ब्रह्मदेश सरकारने रंगून येथे होणारा 3रा जागतिक बौद्ध परिषदेचा खास निमंत्रण। डॉक्टर बाबासाहेबांचा शपथविधी दिनांक 15 ऑगस्ट 1947 रोजी। साहेबांचा शपथविधी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला। ओके। स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या प्रतिनिधी बरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1936 साली ओके स्थापना झाली मजूर पक्षाची। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे दोनों सासू जी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के तस्वीर को देखकर थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो, ये है बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्टडी रूम फ्रेंड्स।
टेबल खुर्ची वरती बसून बाबासाहेबांनी भारताची घटना लिहिली ती टेबल खुर्ची. ओके. आज बाबासाहेब असते तर तुम्ही पण समजू शकता काय झाले असते. और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो अपने समय पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते थे उस समय की, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, रमाबाई आम्बेडकर जी की कुछ चीज़ें रखी हुई है और उनके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप सभी. प्रदेश पर प्रवासा डॉक्टर आम्बेडकर या बैग वापरत होते थे वाला बैग बोला. ओके. ही आराम खुर्ची बाबासाहेबांची. अच्छा. हाच तो पलंग. हां. या पलंगावरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 6 डिसेंबर 1956 रोजी आपला शेवटचा श्वास घेतला. ओके. आणि आपले अनेकांचे दाता आपल्याला सोडून दिले. और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स आपके मेरे हम सब के विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा, और उसी के साथ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी रखी गई है फ्रेंड्स. और ये म्यूजियम में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे रखी गई है. और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स भारत रत्न मानपत्र, और उसी के ऊपर रखा है अस्थि कलश फ्रेंड्स, और उसी के ऊपर भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या नित्य पूजेतील भगवान बुद्धांची मूर्ति है फ्रेंड्स ये. और यहाँ पे बहुत सी ऐसे चीजें रखी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे किताबें भी रखी गई है बाबा साहेब आम्बेडकर जी की, चाहे तो आप ले सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे विजिट करना होगा फ्रेंड्स तो ये जो है ये पुणे में स्थित है फ्रेंड्स ये म्यूजियम, जहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से तस्वीरें यहाँ पे रखी गई है, तो आप जरूर यहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा. और फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और निकलते हैं बाहर, और यहाँ से हम जाएंगे कहीं और घूमने के लिए. तो फ्रेंड्स अभी हम फाइनली निकल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे अपने घर की तरफ. तो फ्रेंड्स मैं ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ. तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. जय भीम, बाय बाय.